हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप पर कैसे पता कर सकते हैं कि आपको किसने ब्लॉक किया है या नहीं किया है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल में आना है। इस एड्रेस पर यहाँ सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, क्लिक करना है। उसके बाद ये घंटी मिलेगा, घंटी को क्लिक कर दीजिए। बॉक्स आएगा, इसको चेक करके सेव कर देना है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाओगे, आपको मेरा सारा लेटेस्ट वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसका नोटिफिकेशन अलर्ट्स मिलेगा, जिससे आप सबसे पहले उसको वॉच कर पाओगे। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि WhatsApp पर कैसे पता कर सकते हैं कि किसने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। Facebook पर भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मालूम नहीं चल पाता है। WhatsApp पर भी जानना चाहते हैं, लोगों नहीं चल पाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ टिप्स और ट्रिक बताऊँगा, जिससे ये मालूम आप कर पाओगे कि कहीं फलाना पर्सन ने आपको ब्लॉक तो नहीं कर दिया है WhatsApp पर। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से मेरा ये वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, जिससे आप पता कर पाओगे कि किसी भी पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सअप इस दुनिया का सबसे बड़ा जो है मैसेजिंग एप्लीकेशन है, और बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और कभी कभी कुछ गलती के कारण कुछ लोग उनको ब्लॉक कर देते हैं या फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो मन में यह क्वेश्चन होता है आपके कि क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, क्या एक तरह का क्वेश्चन है। लेकिन इसका स्पष्ट आंसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है जिससे आप पता कर पाओगे कि ब्लॉक किया है या नहीं। लेकिन मैं कुछ ऐसा तरीका आपको बता दूंगा जिससे आप बिल्कुल पता कर सकते हो कि किसी ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहला पहचानने का तरीका है, नहीं दिख रहा है लास्ट सीन। ठीक है, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन का ऑप्शन होता है, आपको पता है, सेटिंग में ऑप्शन होता है। तो अगर कोई आपको ब्लॉक करता है तो उसका लास्ट सीन नहीं दिखाई देगा आपको, और ना ही वो ऑनलाइन नजर आएंगे। ऑनलाइन स्टेटस भी उनका दिखाई नहीं देगा, लास्ट सीन स्टेटस भी उनका दिखाई देगा। हालांकि एक सेटिंग होता है, उसके द्वारा भी हो सकता है। जैसे कि हालांकि यहाँ आपको लिखा गया है, ध्यान रहेगी, ऐसा तब भी हो सकता है जब सामने वाले ने प्राइवेसी सेटिंग में लास्ट सीन हाइड किया हो, या आपने अपनी सेटिंग में ऐसा किया हो। तो अगर आपने सेटिंग में प्राइवेसी में जाके लास्ट सीन को हाइड किया है तो भी यह हो सकता है। तो इससे पक्का तौर पर तो आप नहीं बोल सकते हो, तो ये एक लेकिन एक तरीका है, ये भी एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि सामने वाले ने ब्लॉक किया है या नहीं किया है। ठीक, दूसरा चीज ये है कि अगर कोई आपको ब्लॉक करता है तो उसका डीपी जो है, जो उसने प्रोफाइल फोटो लगाया हुआ है, वो दिखना बंद हो जाता है, वो दिखेगा ही नहीं। तो ये भी देखकर आप जो है समझ सकते हो कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। हालांकि वो अगर अपना फोटो हटा देगा तो भी वो फोटो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन एक तरह से यह भी एक सिग्नल है आपको कि आपको ब्लॉक किया जा चुका है। तो ये तरीका भी हो सकता है पहचानने का। इसके अलावा आपको एक रीजन और बताता हूं, डबल टिक। आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हो, जब वो मैसेज देख लेता है तो आपको डबल ब्लू रंग का डबल टिक आ जाता है। ठीक है, तो अगर वो ब्लॉक कर दिया है व्यक्ति, तो आपके मैसेज तो आपके तरफ से चला जाएगा, लेकिन वो डबल टिक नहीं आएगा, वो केवल सिंगल टिक बना रहेगा। तो यह एक सिग्नल है जिससे आप पता कर सकते हो कि सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं किया हो। हालांकि अगर वो अपना इंटरनेट ऑफ कर देता है मान लीजिए, तो उससे भी यह चीज आपको दिखाई देता है। वो जब पढ़ेगा नहीं तो वो आपका ब्लू टिक जो होता है वो बनेगा नहीं। ठीक है, लेकिन मिला जुला अगर जितने भी मैं आपको ये सिग्नल बता रहा हूँ, मिला जुला कर अगर देखते हो आप, तब आप बिल्कुल एक्यूरेट बता दोगे कि उसने ब्लॉक किया है या नहीं किया है। इसके अलावा जो है एक और तरीका है। ठीक है, हो सकता है कि किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और आप सोच रहे होंगे, हो सकता है कि उसने अपना अकाउंट को व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया हो। तो मन में एक कन्फ्यूजन रहता है, सियोर तो होते नहीं हो आप कि उसने अकाउंट डिलीट किया है या नहीं किया है। तो एक चीज कर सकते हो, यहाँ पर आप जान सकते हो, आप WhatsApp पर जाइए चैट ऑप्शन में और उसका जो खाली डीपी है उसको क्लिक कीजिए। अगर वहाँ पर मैसेज और कॉल का ऑप्शन आता है तो उससे पता चलता है कि उसने अकाउंट किया है। लेकिन अगर उसके सामने इनवाइट का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसने WhatsApp से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। तो ये सारा तरीका जो है, अगर इसको मिला जुला कर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले ने आपका जो है अकाउंट
ब्लॉक किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो एक स्पष्ट तरीके, एक स्पष्ट सेटिंग जो है यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। ये सब मिला जुला अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि सामने वाले ने ब्लॉक किया है आपको व्हाट्सएप पर। तो ये मैंने कुछ आपको सिग्नल बता दिया जिससे आप पता कर सकते हो या नहीं किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा ब्लॉग है अभिषेक आनंद, आप इस कॉन्टेक्ट में जाकर मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर निकाल के जो है ना मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वेबसाइट पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट में डालता हूँ, इसमें भी आप जो है सब्सक्राइब जो है ना कर लेना। फिर से बता देता हूँ मेरे YouTube चैनल में सब्सक्राइब करना है आपको, इस एड्रेस पर सब्सक्राइब बटन मिलेगा, क्लिक कीजिए, घंटी क्लिक कीजिए, सेव करके इसको चेक करके सेव कर दीजिए, आप सब्सक्राइब हो जाओगे और फिर मेरा सारा लेटेस्ट वीडियो जो आएगा वो सबसे पहले आप वॉच कर सकते हो, आपको नोट मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लिंक्स जो है इनको फॉलो जरूर कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए, मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट जो है आपको हमेशा मिलता रहेगा। ये लिंक्स जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर फॉलो कीजिए आप। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। आपके डेली कमेंट में पढ़ता हूँ, बहुत खुशी होती है। अगर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, और प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।